Today, we will start exercise 3B of chapter 3, expansions. हमारा लेक्चर कौन सा है ये? एक मिनट में चेक करूं. लेक्चर फोर लेक्चर 4 नहीं होगा, ज्यादा होगा. एक सेकंड रुको, अभी पता लग जाएगा. लेक्चर 4 है बेटा. फ्रॉम क्रिस्टन पब्लिकेशंस. अब ये जो एक्सरसाइज है 3B एक्सरसाइज फॉर क्लास 9 फॉर आईसीएसई, ये कुछ स्पेशल प्रोडक्ट पे जो हमने ड्राइव नहीं किए थे फॉर्मूलाज, कुछ फॉर्मूलाज ड्राइव किए थे ना, यस सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है श्रियांशी? सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर सर माइनस 2 ए बी. सर या बच्चे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला और था जो ए माइनस बी का होल स्क्वायर में से ड्राइव हो रहा था. वो क्या था? ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 ए बी. ये दो फॉर्मूलाज थे लेक्चर 4 के. दीज टू फॉर्मूलाज, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 ए बी. दीज आर द टू फॉर्मूलाज. अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब एक तो था प्रोडक्ट में, फैक्टराइजेशन में फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. दूसरा फॉर्मूला जो ड्राइव कर ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी. ये नोट डाउन कर लेना बच्चे. ए क्यूब माइनस बी क्यूब का बच्चे फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3 ए बी इंटू ए माइनस बी. ये चार फॉर्मूलाज आप लर्न करना. ओके, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये भी लिख सकते हैं, ये भी. वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में हमें ए प्लस बी दिया है कि ए माइनस बी दिया है. अगर ए माइनस बी दिया होगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर ए प्लस बी गिवन हुआ तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा. फर्स्ट सम बच्चे, हमें क्या गिवन है? ठीक से ये रहा, ए प्लस बी 8 है, ए बी 7 है. फाइंड ए माइनस बी. ए प्लस बी गिवन है, ए बी 7 है, ए माइनस बी हमने फाइंड करनी है. तो यहां पे जो गिवन है पहले मैं वो लिख देता हूं. ए प्लस बी इज गिवन 8, ए बी इज गिवन 7. वी हैव टू फाइंड ए माइनस बी. हाँ जी बेटा, व्हाट वी कैन, कोई बता सकते हैं? मयंक, रोहिण, श्रियांशी, हम कैसे सर करें? ए स्क्वायर सर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स बच्चे मैंने ना एक फॉर्मूला लिखवाया आपको, ये लिखवाया ना, इसके इक्वल यस भी होता सर है, इसके इक्वल भी होता है. ये चीज हमें गिवन है, ये फाइंड करना है, हमने करना है ना. तो ये एक तरह की आइडेंटिटी बन गई कि दोनों को हम इक्वल लिख सकते हैं. वी नो दैट, वो भी हो जाएगा जैसे आप बोल रहे हो ना, स्क्वेयरिंग करके उसके बाद. बट ये ज्यादा बेटर रहेगा जैसे मैं करवा रहा हूँ, इसे थोड़ा शॉर्ट भी हो जाएगा. माइनस 2 ए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 ए बी. ए प्लस बी की वैल्यू 8 गिवन है, यहाँ फिल कर देंगे. माइनस 2 ए बी की वैल्यू 7 है, यहाँ फिल हो जाएगा. ए माइनस बी हमने फाइंड करना है, प्लस 2 ए बी की वैल्यू 7 है. 8 का स्क्वायर 64 माइनस 14, ये 14 आएगा, वो भी इस साइड ले आओ, माइनस 14 हो जाएगा. किसके इक्वल? ए माइनस बी का होल स्क्वायर. 50 50 में से 14 गए, 36 आ गया. ए माइनस बी का होल स्क्वायर. तो श्रियांशी, स्क्वायर दूसरी साइड पे जाके क्या बन जाता है? सर रूट रूट. तो ए माइनस बी की वैल्यू 6 आ गई. यस बट यहां पे एक प्रॉब्लम है.
मुझे ये बताओ 36 किस नंबर का स्क्वायर है बेटा? श्रेयांशी, सिक्स का, -6 का नहीं है, उसका स्क्वायर ही तो यस +36 ही आएगा ना। तो अब ये चीज सर, याद रखनी है, जब भी स्क्वायर दूसरी साइड पे जाके स्क्वायर रूट बनेगा तो उसके बाहर ऐसे प्लस माइनस लगा देना, ठीक है बच्चे? श्रेयांशी, मयंक, रोहिन, समझ आया यस बच्चे प्लस माइनस क्यों लगा यस रही है? क्योंकि यस सर, सिक्स का स्क्वायर भी 36 होता है और -6 का स्क्वायर भी 36 होता है, दैट्स द रीजन। नाउ सेकंड सम हमारे पास क्या है, देखिए ए माइनस बी 9 गिवन है, ए बी -14 गिवन है, वी हैव टू फाइंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए माइनस बी 9 एंड ए बी इज -14, वी हैव टू फाइंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चे रोहिन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए बच्चे? ए सर ए प्लस बी ए माइनस बी। प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी तो मेरे पास है, ए प्लस बी नहीं है, तो हमें ए प्लस बी क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा कौन से फॉर्मूला से, इसी सेम फॉर्मूला से। अब देखो ए माइनस बी है, हमने क्या फाइंड करना है, ए प्लस बी। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, बाई यूजिंग ए प्लस बी होल स्क्वायर -2ab किसके इक्वल रोहिन? सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना माइनस बी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर +2ab। बेटा यस बार बार कह रहा हूं, इसको लर्न कर लो, लिख लो, ठीक है? अब ए प्लस बी हमने फाइंड करना है, इसको ऐसे ही रहने दो, -2ab की वैल्यू -14 है, ऐसे आ जाएगी। ए माइनस बी की वैल्यू 9 है, 9 का स्क्वायर हो जाएगा +2ab, 2 इंटू ए बी की वैल्यू -14, यहाँ भी 2 आना था। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, +28 बन जाएगा, 9 का स्क्वायर 81, -28 बनेगा, ये प्लस हो गया है, उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर 81 में से 56 माइनस कर दो, 28 2 56 होता है ना, 11 -6 5, तो 25 आ गया, और जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट बनेगा, बाहर क्या आएगा प्लस माइनस, ए प्लस बी की वैल्यू +-5 आ जाएगी। अब ये फाइंड करना था हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओहो म्यांक मैं भूल गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल था, सर ए प्लस बी इनटू ए माइनस बी। यस ए प्लस बी हमने फाइंड किया था कि गिवन था, फाइंड किया था +-5, अगर प्लस माइनस आ रहा है तो प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, और ए माइनस बी की वैल्यू 9 गिवन है, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा बच्चे म्यांक? सर 45 प्लस +-45 आएगा बच्चे, दिस -45। इज अवर आंसर। नाउ थर्ड सम, ए स्क्वायर -3a -1 इज इक्वल टू 0 है, ए स्क्वायर +1/a² हमें फाइंड करना है, कहने का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है, यही है ना? यहाँ पे क्या करो, क्या करेंगे बता सकते हैं कोई तीनों में से, म्यांक, रोहिन, श्रियांशी, एनीवन? डिवाइड सर सर ए प्लस 1/a। बोथ साइड्स विद ए, ए से डिवाइड कर दो दोनों साइड्स को, ए स्क्वायर अपॉन ए -3a/a -1/a इज इक्वल टू 0, ए से ए यहाँ पे कट गया, यहाँ से एक ए कट गया, क्या रह गया, ए -1/a को इस साइड रख लो, ये बीच में क्या रह गया -3, उसको उस साइड ले जाओ, ये आ गया ए -1/a हमारे पास आ गया, और ये फाइंड सर करना है ना। हाँ जी सर बेटा, ए को दोनों साइड से डिवाइड क्यों किया?
दोनों साइड बच्चे मुझे एक बार बताओ, 50 = 50 है, अगर मैं दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आंसर आएगा? 25 25 ही25 आएगा ना, ट्वेंटी वो भी इक्वली है ना, यस सेम सर नंबर थे, हम दोनों साइड को डिवाइड कर सकते हैं। इसको डिवाइड इसलिए किया क्योंकि मुझे चाहिए a² + 1/a², ए और 1/a चाहिए। ए और 1/a कैसे आएगा? अगर मैं डिवाइड कर दूंगा ए से, ठीक है? तो इसमें क्या किया मैंने, a - 1/a को यहाँ रखा, 3 को मैं उस साइड ले गया, ले गया। अब यस स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे स्क्वायर कर दो। या हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, कौन सा a² + b² का, वो लगा लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। बाय यूजिंग a² + b² का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम, 83 प्लस वाला लगाएंगे कि माइनस वाला लगाएंगे? दो फॉर्मूला थे ना, ये रहे, ये था और ये था। सब बच्चे मैंने आपको बोला था ना, क्वेश्चन बताएगा हमें कि क्या लगाना है, हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, माइनस की आई है कि प्लस की आई है? तो माइनस ए माइनस का लगाएंगे ना बेटा, सर ठीक है? हाँ जी बच्चे, जीरो सर वो 0/a कहाँ गया पॉइंट ए, जीरो को किसी से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 0 0 + 3, -3 उस साइड जाके प्लस हो गया, तो 0 + 3 ये बन गया ना बच्चे, 83। अब यस ए की प्ले वैल्यू ए है, बी के प्लेस पे 1/a फिल कर दो, इस साइड भी, राइट साइड भी, a - 1/a +2 * a * 1/a, a² + 1/a² आ गया। इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ये रहो, देखो क्वेश्चन मार्क डाला था मैंने, a - 1/a की वैल्यू कितनी है, 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, a से a कट गया +2, 3 का स्क्वायर 9 + 2, कितना आ गया हमारे पास आंसर, 11 आ गया। आया समझ बच्चे कैसे किया? यस नेक्स्ट सम, फोर्थ सम। अब फोर्थ सम मैं नहीं करवाऊंगा, मुझे श्रियांशी करवाएगी, ठीक है श्रियांशी? और जब तक तू करवाएगी नहीं मैं आगे नहीं चलूंगा। हमें गिवन क्या है फोर्थ सम में, a² + b² 13 गिवन है, ab 6 गिवन है, हमें a+b भी फाइंड करना है और a - b भी फाइंड करना है। a+b भी फाइंड करना है और a - b भी फाइंड करना है, दोनों चीजें फाइंड करनी है। देखो ये क्या है, a+b ना, a² + b² का आइडेंटिटी a+b की फॉर्म में क्या था बच्चे, बोलिए। सर होल स्क्वायर -2 माइनस टू ए इज इक्वल टू 13, ठीक है बच्चे? सर अब a+b फाइंड करना है, सेम टू सेम रहेगा, -2 ab की वैल्यू 6 है, 13 के इक्वल, 6 × 12 a+b का होल स्क्वायर 13, -12 उस साइड जाके +12 हो जाएगा, यहीं पे लिख देता हूँ मैं 25। तो a+b की वैल्यू क्या आएगी बच्चे, हाँ सर 5 + -5 या तो स्क्वायर रूट डाल के प्लस माइनस या सीधा ऐसे। अब दूसरा हमें a - b भी फाइंड करना है, a - b कैसे फाइंड करेंगे, वही सेम a² + b² 13 के इक्वल, हमें यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाऊं श्रियांशी, a+b² - 2ab = a - b ना ना स्क्वायर ना प्लस ये ही चीज है ना बेटा, तो दूसरा यस माइनस वाला फॉर्मूला लगा दो इसके नीचे, जैसे यहाँ पे लगाया ना प्लस वाला, उससे भी यस निकल सर जाएगा जो आप बोल रहे हो, बट वो लेंदी हो जाएगा फिर, यहाँ सीधा आ जाएगा, देखो ठीक है बेटा। ओके सर a - b का होल स्क्वायर +2 * 6 = 12, मैंने सीधा 12 लिख दिया, a - b का होल स्क्वायर 13 - 12 1, तो a - b किसके इक्वल आ गया, √1 प्लस यस माइनस, इतना आ गया, +-1 इज द आंसर। a+b भी आ गया, a - b भी आ गया। मयंक, रोहिन, समझ आया बच्चे कैसे किया यस हमने? यस सर नाउ फिफ्थ सम मुझे रोहिन करवाएगा, ठीक है रोहिन?
फिफ्थ सम में हमें क्या दिया है? ए प्लस 1 बाय ए गिवन है 6, ए नॉट इक्वल टू 0। ये क्यों दिया हुआ है? क्योंकि नीचे ए आ रहा है, नीचे कभी 0 नहीं आ सकता। ए माइनस 1 बाय ए फाइंड करना है और ए स्क्वायर माइनस 1 बाय ए स्क्वायर फाइंड करना है। फिफ्थ सम, ए प्लस 1 बाय ए इज गिवन 6 और दूसरा बस ये गिवन है और कुछ नहीं। हमें फाइंड क्या करना है? ए माइनस 1 बाय ए फाइंड करना है और दूसरा फाइंड करना है ए स्क्वायर माइनस 1 बाय ए स्क्वायर। व्हाट आई कैन डू? सर आइडेंटिटी, कौन सी? सर ए ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2 ए इसके इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नहीं बेटा, नहीं यहाँ ना तो मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है, देखो यस मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ए प्लस बी गिवन है, ए माइनस बी फाइंड करना है। तो जो फर्स्ट सम यूज की थी बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ab किसके इक्वल? ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 ab। इससे बहुत इजी हो जाएगा अगर ये आप ये लर्न कर लेते हो। मतलब ये कहाँ पे बेसिकली कहाँ पे यूज होता है? जब हमें ए प्लस बी गिवन है, ए माइनस बी फाइंड करना है, ए माइनस बी गिवन है, ए प्लस बी फाइंड करना है, तो ये चीज यूज कर सकते हैं हम। अंडरस्टूड? यस सर, ए के प्लेस पे ए, बी के प्लेस पे 1/a। जहां पे भी ए होगा वहां पे ए फिल करेंगे, जहां पे भी बी होगा वहां पे 1/a फिल करेंगे। 2 into a into 1/a। सेम यहाँ पे ए माइनस 1/a प्लस 2 into a into 1/a। समझ आया बच्चे कैसे फिल किया मैंने? यस सर, ए से ए कट गया, यहां से भी ए से ए कट गया, होल स्क्वायर डालना भूल गया मैं दोनों तरफ। ए प्लस 1/a की वैल्यू 6 गिवन है, 6 का स्क्वायर माइनस 2, ये प्लस 2, वो भी इस साइड आके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। किसके इक्वल? ए माइनस 1/a का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 बन गया, माइनस 4 इज इक्वल टू ए माइनस 1/a का स्क्वायर, 32 आ गया बेटा, स्क्वायर रूट हो जाएगा ए माइनस 1/a की वैल्यू बाहर प्लस माइनस। 32 में से क्या बाहर आएगा रोहिन? फैक्टर बनाएंगे तो सर 8 और 4। 8 और 4? नहीं, 4 बाहर आएगा बेटा, 4 4 16 2 32 होता है ना, ए माइनस 1/a। पहला आंसर हमारा आ गया। अब हमने फाइंड करना है दूसरा आंसर। नाउ ए स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी रोहिन? विच आइडेंटिटी इज टू बी यूज्ड हियर? सर ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2 ab इक्वल्स टू ए माइनस बी। यार बच्चे कैसे, वो तो प्लस की थी ना, माइनस की तो नहीं थी, माइनस की तो खुद की आइडेंटिटी है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी है ना, यस सर, तो ये लगाएंगे। अब ए प्लस 1/a, इसकी वैल्यू हमें 6 गिवन थी, वही वाली यूज करेंगे, और इसकी वैल्यू हम ये फाइंड की है, तो ये प्लस माइनस 4√2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 4 24, प्लस माइनस 24√2। दिस इज अवर आंसर। समझ आया बच्चे? मयंक, सिक्स यस सर, सम, ये रहा, यस 3x+4y 16 के इक्वल है, xy 4 के इक्वल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9x2+16y2। 3x+4y हमें 16 के इक्वल गिवन है, xy हमें 4 के इक्वल गिवन है, और फाइंड क्या करना है हमें? 9x2+16y2 फाइंड करना है। मयंक, 9x2 किसका स्क्वायर है बेटा? थ्री थ्री एक्स और 16y2 फोर 4y, यही है ना 3x और 4y। तो यस यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बताइए किसके इक्वल था? यहाँ में प्लस दिया है ना, तो प्लस वाली आइडेंटिटी, हाँ सर, a+b होल स्क्वायर आगे a-b।
2ab। -2ab बेटा, वो माइनस में होता है, वो माइनस की आइडेंटिटी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। प्लस की अपनी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है, वो या तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में से ड्राइव हुआ है या ए माइनस बी का। अब हमें क्वेश्चन बताता है, क्वेश्चन हमें डिसाइड करेगा कि विच वन वी हैव टू यूज। यहाँ प्लस की वैल्यू गिवन है तो प्लस वाला फॉर्मूला यूज होगा। ए के प्लेस पे 3x फिल हो जाएगा, 3x का स्क्वायर। बी के प्लेस पे 4y फिल हो जाएगा, 4y का स्क्वायर। ए ए इज 3x प्लस बी 4y होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 4y। समझ आया बच्चे? ये यस सर, इसका स्क्वायर, 3x का स्क्वायर क्या बनेगा? 9x, 9x बनेगा। 9x और 4y का स्क्वायर बेटा? सर हाँ 16x। जी बेटा, सर 3x प्लस 4y की वैल्यू तो दी हुई है ना 16। हाँ फिर वही तो फिल करेंगे ना बच्चे। ओके सर। यहाँ पे अकेले अकेले का स्क्वायर था ना बेटा, यस सर। यहाँ पे होल का स्क्वायर, होल में ही फिल करेंगे ना, इसमें तो फिल नहीं कर सकते। 4 12 2 24, एक्स वाई की वैल्यू 4 गिवन है, वो फिल कर दी, क्योंकि हमें 9x² प्लस 16y² की वैल्यू फाइंड करनी है। 16 का स्क्वायर 256 माइनस 24 4 96, 6 6 0, 15 9 6 160 इज आवर आंसर। ये हमारा आंसर आ गया, समझे बच्चे? हाँ यस जी सर, 2 × 3x इंटू 4y की वैल्यू आपने 24 × 4 कैसे डाला? सर ओहो, 4 12 2 24 बेटा, एक्स वाई, एक्स वाई आएगा ना साथ में, उसकी वैल्यू सर, कितनी है? मुझे ओ मुझे भी कंफ्यूज कर दिया श्रियांशी तुमने, मैं भी सोचने लग गया कि ये वाई कहाँ चला गया, एक्स वाई -24xy आएगा ना बेटा, यस सर, और एक्स वाई की वैल्यू 4 गिवन है हमें, वो फिल करेंगे। ठीक है, यस सर। सेवन सम, शेरी आंशी, ठीक है, एक्स प्लस वाई 8 गिवन है, एक्स वाई 15/4 गिवन, हमें फाइंड क्या करना है, 3 × x² + y² फाइंड करना है एक तो, और दूसरा 5 × x² + y² + 4 × x - y, ये दो चीजें फाइंड करनी है। देखो फर्स्ट में जो फाइंड करना है उसमें क्या आ रहा है बच्चे, मतलब तो a² x² + y² मतलब a² + b², a² + b² की आइडेंटिटी, सर, a + b होल स्क्वायर -2ab। यस, ए के प्लेस पे एक्स, बी के प्लेस पे वाई, यहाँ पे भी x + y का होल स्क्वायर -2xy। अब x² + y² तो फाइंड करना है, सेम टू सेम आ जाएगा, x + y की वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर 64, -2xy की वैल्यू कितनी है, 15/4, इकट हो गया, तो x² + y² 2 LCM आ जाएगा, हाँ, 128, क्योंकि इसके नीचे तो 1 है ना, 1 को किससे करें, 2 आ जाए, 2 2 × 64 128, -2 1 1 × 15 15, तो 8 - 5 3, 2 - 1 1 113/2, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर दो, 5 6 1/2, दिस इज अवर फर्स्ट आंसर, नॉट नॉट द फर्स्ट आंसर, वी हैव टू फाइंड 3 × x² + y² नाउ 3 × x² + y² 3 x² + y² की वैल्यू हमने ये वाली फाइंड की है, 113/2, 3 3 9, 3 3/2, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर दो, 1 6 12 19, 8 नहीं 9 2 18, 1/2, ये हमारा फर्स्ट आंसर होगा। समझ आया बच्चे फर्स्ट आंसर कैसे निकाला? यस सर।
रोहिन, यस म्यांक, सर, म्यांक। यस। अब देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड कर लिया, जो ये वैल्यू आई थी ये वाली, यही आज सेकंड पार्ट में फिल हो जाएगी। बट एक्स माइनस वाई कैसे फाइंड करें श्रेयांशी? सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या कर रही हो? नो बच्चे, मैंने क्या बताया था, जब एक्स प्लस ए प्लस बी हो, ए माइनस बी फाइंड करना हो तो क्या करना है? ए प्लस बी गिवन हो, ए माइनस बी फाइंड करना हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के दोनों फार्मूलाज इक्वेट कर दो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2AB किसके इक्वल श्रियांशी? ए माइनस ए माइनस बी बी होल का होल स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2। प्लस 2A। अब इसके बाद भूल गई ना, तेरा गला दबा दूंगा बिहार आके, ठीक है? यस सर। ए के प्लेस पे एक्स, बी के प्लेस पे वाई होल स्क्वायर माइनस 2 ए के प्लेस पे एक्स, बी के प्लेस पे वाई। राइट साइड में भी ए के प्लेस पे एक्स, बी के प्लेस पे वाई प्लस 2XY। एक्स प्लस वाई की वैल्यू हम ऑलरेडी गिवन है हमें 8। माइनस 2XY, एक्स वाई की वैल्यू 15/4। एक्स माइनस वाई हमने फाइंड करना है, इसको ऐसे रहने दो। प्लस 2XY की वैल्यू 15/4, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 15/2। यहां से भी बेटा 15/2 प्लस का होगा, बट इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। किसके इक्वल? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या आ गया हमारे पास, एलसीएम 2 ले लो, 128 माइनस 15 माइनस 15 हो जाएगा बेटा, किसके इक्वल? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। 30 इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 98 आ जाएगा ना, अपॉन 2 एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये कट किया, 49 आ गया। तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी श्रियांशी? +-7। बहुत अच्छा बच्चा है ये मेरा, कभी कभी गलती कर देता है बस। नाउ 5 × x² + y² प्लस 4 × x - y, ये हमने फाइंड करना है। 5 x² + y² की वैल्यू हम फाइंड कर चुके थे, ये रही, ये मत फिल कर देना, ये 3 टाइम्स था, 113/2, 113/2 प्लस 4 x - y की वैल्यू, तो प्लस माइनस डालेंगे हम 7, ठीक है? 5 × 3 = 15, 1 carry 6, 565/2 प्लस माइनस 28/1, 2 LCM आ गया, 565 + -28/2। ऐसे यहीं पे छोड़ना है, यहीं छोड़ दो, नहीं तो दो आंसर आएंगे, एक 565 + 28/2 कर देंगे, एक 565 - 28/2 कर देंगे, ठीक है बच्चे, कर लोगे? यस सर, ये हमारा 7 सम कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल रीच ऑन क्वेश्चन नंबर 8। रोहिन, यस सर, 8 सम आपको करवाना पड़ेगा, ये हमें फाइंड करना है। हमें एक्स इज इक्वल टू 1/x - 5 गिवन है, और ये फाइंड करना है, कैसे करें बताइए बेटा। सर दोनों इक्वेशन से लगाया, दोनों वैल्यूज से आइडेंटिटीज टू। पहले क्रॉस करो, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है ना, क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा बेटा? x²-5x इजिकल्स टू 1। 1। तो एक क्वेश्चन किया था हमने, कौन सा किया था, 6th वाला? नहीं, 6th वाला नहीं, कौन सा था, 3rd वाला, डिवाइड बोथ साइड्स विद एक्स, ठीक एक्स, है? यस सर, x²/x - 5x/x = 1/x। ये x से 1x कट गया, x
वन बाई एक्स को इस साइड ले आओ, माइनस वन बाई एक्स हो गया, एक्स से एक्स कट गया, माइनस फाइव उस साइड जाके प्लस फाइव हो गया, एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू आ गई। बट ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, एक्स यस प्लस वन सर, बाई एक्स की इंटू एक्स माइनस वन बाई एक्स की इक्वल होगा। एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू आ चुकी है, अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करें? अगर ना बताया ना तो गाजियाबाद आ जाऊंगा मैं। सही एक्स प्लस है, सर, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स बच्चे मैं कितनी बार बता चुका हूँ, जब हमारे पास ए माइनस बी है, ए प्लस बी फाइंड करना है तो कौन सा लगेगा? ए प्लस बी है तो ए माइनस बी फाइंड करना तो कौन सा लगेगा? सेम है ना, फर्स्ट सम में भी यूज किया था, इतने इजी मेथड से करवाया बेटा वो। का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी किसके इक्वल? ए माइनस ए बी का होल माइनस स्क्वायर बी होल स्क्वायर प्लस टू ए बी। याद रहेगा रोहिन? यस सर, मतलब मैं बार बार बता रहा हूँ, ए प्लस बी है, ए माइनस बी का फाइंड करना है तभी ये, ए माइनस बी है हमारे पास, ए प्लस बी फाइंड करना है तभी ये। अब यहाँ देखो ना, एक्स माइनस वन बाई एक्स मेरे पास आ चुका है, एक्स प्लस वन बाई एक्स फाइंड करना है, जब तक ये नहीं फाइंड होगा तो नहीं होगा ना। मतलब ए माइनस बी है मेरे पास, ए प्लस बी फाइंड करना है, तो इस फॉर्मूला में ही करेंगे ना। अब जहां पे ए है वहां पे एक्स, जहां बी है वहां पे वन बाई एक्स, पहले एक्स की फॉर्म में लेके आएंगे हम, ठीक है? राइट साइड में भी एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स, यहाँ एक्स से एक्स कट गया, एक्स प्लस वन बाई एक्स हमने फाइंड करना है, सेम टू सेम रहेगा बेटा, माइनस टू, यहाँ एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू कितनी है? फाइव है, फाइव का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स से एक्स कट गया, टू बच गया। एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर एज लाइक 5 का स्क्वायर 25 प्लस टू, जो ये माइनस टू था ये भी उस साइड जाके क्या बन गया? प्लस टू बन गया, 25 टू 27 टू 29, एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 29 के इक्वल आ गया ना। तो यहाँ से एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 29 बाहर प्लस माइनस, इसकी वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। वो हमने फाइंड क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, किसके इक्वल? एक्स प्लस वन बाई एक्स इंटू एक्स माइनस वन बाई एक्स, एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस माइनस रूट 29, एक्स माइनस वन बाई एक्स ये रहा 5, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस 5 रूट 29, दिस इज अवर आंसर। समझ आया बच्चे? नाउ यस सर, यस सर, द नेक्स्ट सम, वो पहले 9 सम 8 सम एक जैसे थे बेटा, उन दो वर्ड एंटिटीज पे बेस्ड थे। जो 9th सम है वो क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा आपको कि किस पे बेस्ड है। ए प्लस बी प्लस सी गिवन है हमें, पी के इक्वल, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए गिवन है क्यू के इक्वल, वी हैव टू फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हमें क्यू के इक्वल गिवन है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वी हैव टू फाइंड। किस फॉर्मूला में यूज होता था ये तीनों चीजें एक फॉर्मूला में यूज होती हैं, कौन सा फॉर्मूला था वो? म्यांक, सर ए प्लस बी प्लस सर ए सी प्लस बी प्लस होल स्क्वायर होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बस इस चीज को स्क्वायर कर दो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, राइट साइड में क्या आ जाएगा? पी स्क्वायर आ जाएगा ना। यस, ओहो, ये तो मैं फॉर्मूला ही भूल गया मैं अंक, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके इक्वल था? बस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नो सर, अभी और आगे गया, टू प्लस टू है, प्लस टू ए बी प्लस प्लस टू बी बी सी प्लस टू सी ए। मैंने क्या किया, लास्ट वाली तीनों टर्म में से टू कॉमन ले लिया, ले सकते हैं ना, टू ए बी टू बी सी टू सी ए ही बनेगा ना, अगर इसको ओपन करूंगा तो मैं सी। यस सर, इस बार पी स्क्वायर। ये क्यों किया? क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू फिल करनी थी, बाद में कॉमन लेते हैं पहले कॉमन ले लो, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है बेटा जो मैंने अंडरलाइन किया।
इसको ऐसे ही रहने दो। प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, क्यू है, 2 क्यू आ गया, इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। दिस इज अवर आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। समझ गए बच्चे? यस यस सर, यस सर, यस सर। टेंथ वाला सम बिल्कुल सेम है, तो ये श्रियांशी करवाएगी मुझे। एक्स प्लस वाई माइनस जेड गिवन है बेटा आपस में, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ही है, 30। और हमें फाइंड क्या करना है, एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स फाइंड करना है। वही सेम क्या करो, इसका स्क्वायर कर दो, एक्स प्लस वाई, चालाकी करेंगे हम, ऐसे लिख सकते हैं ना श्रियांशु, यस सर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। भूल गया मैं फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मुझे लगता है भूख लग रही है तेरे को, प्लस 2 ab, ए की वैल्यू एक्स बी की वैल्यू वाई, प्लस 2 bc। अब मैं कॉमन बाद में लूंगा बेटा, क्योंकि माइनस का चक्कर पड़ेगा नहीं, नहीं तो ca। अगर आप पहले लेना चाहते हो पहले भी ले सकते हो, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, इसको ओपन किया वाई स्क्वायर, माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इन तीनों में से 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर। कैसे एक्स स्क्वायर बचेगा बताइए, एक्स इंटू वाई एक्स स्क्वायर होता है श्रियांशु, एक्स वाई, यहां वाई से वाई जेड वाई माइनस वाई जेड आगे माइनस एक्स जेड जेड एक्स जेड या जेड एक्स भी लिख सकते हैं, 25। अब यस इसकी वैल्यू कितनी है, 30 है बेटा, ये देख देखो है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के प्लेस पे मैंने 30 लिख दिया, प्लस 2, और इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, यही है ना सेम, एक्स वाई प्लस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स वी माइनस का, तो इसको सेम टू सेम रहने देंगे क्योंकि ये हमने फाइंड करना है। अब 2 इंटू xy माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स अपने प्लेस पे रहा, 25, 30 उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2 टाइम xy माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस 5 के इक्वल आ गया। तो xy माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5/2। दिस इज आवर आंसर, समझ आया बच्चे? यस यस सर, यस नाउ 11 सम, इसमें कितने सम्स हैं इस एक्सरसाइज में, 25 सम्स इसमें है, कल का दिन और लगेगा हमें, एक लेक्चर। चलो 11 सम बेटा। रोहिणी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें 34 गिवन है, ए बी हमें 12 गिवन है, वी हैव टू फाइंड 7 इंटू a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू a प्लस b का होल स्क्वायर, ये हमने फाइंड करना है। हाँ जी, ये क्या है, सर ए माइनस बी, ये क्या है, ए प्लस बी, हमें गिवन क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ए माइनस बी के साथ ही रिलेशन है, फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का इसके साथ ही है। मैं ना ऐसे बीच में लाइन मार के कर देता हूँ, तो थोड़ा आपको समझ आ जाएगा, आपने लाइन मार के नहीं करना, आपने ये वाला पार्ट नीचे करोगे इसके, ठीक है। मैंने यस 2 टाइम सर, ये लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बता रोहिन। सर ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2 ab। इसको 34, और दूसरा फॉर्मूला बता, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2 ab। इजिकल टू 34।
यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू आएगी, यहाँ से ए माइनस बी की, कैसे? टू ए बी, ये गिवन है हमें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू 12 हो जाएगा बेटा 34। ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 24, उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, शॉर्टकट मार दिया मैंने, 58। रूट 58 बार क्या आएगा? प्लस माइनस, यहां से सेम ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू 12 इज इक्वल टू 34। ए माइनस बी का होल स्क्वायर 34 माइनस 24, 10 आ गया, ए माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ 10, बाहर क्या आएगा? प्लस माइनस। देखो ए प्लस बी की वैल्यू भी नहीं आ गई, ए माइनस बी की वैल्यू भी आ गई। अब जो चीज फाइंड करनी है उसमें फिल कर दो। नाउ 7 टाइम ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये एक काम ना करें, ये निकालो ही ना, क्योंकि हमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर ही चाहिए ना। ए माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू 10 आ गई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर चाहिए उसकी वैल्यू 58 आ गई, तो 7 ए माइनस बी की होल स्क्वायर की वैल्यू 10 हो जाएगी। प्लस स्क्वायर नहीं करना क्योंकि अब मैं स्क्वायर की वैल्यू ही फिल कर रहा हूँ सीधी, ए माइनस बी की सॉरी उल्टा कर दिया, नहीं ठीक है, यहाँ प्लस था ना, माइनस गलती से लिख गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू 58 है। बोर्ड वासूल, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, 8 से 24, 2 कैरी, 15 to 17, ऐड किया 14, 244 इज अवर आंसर। समझ आया रोहिण, मयंक, श्रेयांशी? यस सर, यस यस सर। सर। नाउ 12th सम, मयंक, यस सर। एक्स प्लस 1/x गिवन है हमें 4 के इक्वल। हमने एक तो एक्स माइनस 1/x फाइंड करना है, दूसरा एक्स 4 प्लस 1/x 4 फाइंड करना है, ये दो चीजें हमें फाइंड करनी है, कैसे करेंगे? अगर ना बताया ना तो देख ले, फिर अदिति से बात करनी पड़ेगी मुझे, हिंट दे रहा हूं तेरे को। मयंक बताइए, मयंक जी, सर हाँ ए सर, प्लस रुको, बी है, ए माइनस बी फाइंड करना है, बहुत सम कर लिए अब तो बेटा इसके, ए हाँ सर, इसमें फॉर्मूला आएगा। प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी किसके इक्वल, ठीक हाँ सर, है, इज इक्वल टू ए माइनस बी स्क्वायर, बी का होल प्लस स्क्वायर टू ए बी। टू ए। हाँ, एक्स के प्लेस पे, ए के प्लेस पे एक्स आ जाएगा, बी के प्लेस पे 1/x आ जाएगा, माइनस टू ए के प्लेस पे एक्स आ जाएगा, बी के प्लेस पे 1/x आ जाएगा, सेम राइट साइड में एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू 1/x, एक्स से एक्स कट गया, एक्स से एक्स कट गया, इसकी वैल्यू 4 गिवन थी, 4 का स्क्वायर माइनस टू, ये प्लस टू था वो भी आके इस साइड माइनस टू हो गया, एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर, 16 माइनस 4 एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर 12, स्क्वायर बिकम स्क्वायर रूट, बाहर प्लस माइनस, यहां से बच्चे 2 2 3 2 बाहर आ रहा है, 2√3, ये हमारा पहला आंसर आ गया, दिस इज अवर फर्स्ट आंसर। सेकेंड आंसर फाइंड करने के लिए क्या करें, व्हाट वी कैन डू, इसका स्क्वायर करके फिर से स्क्वायर करो, कैसे? एक्स प्लस 1/x गिवन है ना हमें, नाउ फॉर सेकंड पार्ट, एक्स प्लस 1/x गिवन है हमें 4, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा ना, बताइए बेटा, और इस साइड 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ये समझ यस आया? यस सर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 16 माइनस 2 14 आ जाएगा, फिर से क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इसमें थोड़ा मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू 1/x स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab, 14 का स्क्वायर 196, ये कट गया। एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, 196, तो इस साइड आके माइनस हो गया, तो x4 प्लस 1/x4 किसके इक्वल आ गया, 194 के। आंसर समझ आया बच्चे? मतलब यस सर, हमें 2 टाइम स्क्वायर करना पड़ेगा, पहले स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 की वैल्यू आ जाएगी, समझे? थर्ड इंसान ठीक वी हैव टू फाइंड रूट एक्स प्लस 1/√x। सबसे पहले 1/x फाइंड करो बेटा, ये फर्स्ट चैप्टर का सम भी हो, मतलब ये समझ लो फर्स्ट चैप्टर का सम भी हो सकता है ये। देखो x की वैल्यू ये गिवन थी ना, 1/x फाइंड किया मैंने, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ना दोनों साइड्स का, एक्स का किया रेसिप्रोकल तो राइट साइड का भी रेसिप्रोकल होगा। इसको क्या करो, रैशनलाइज। रैशनलाइज किससे होता है, अपोजिट साइन से। 1/x किसके इक्वल आ गया, 7 + √3, नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी, 49 - 48 हो जाएगा, सीधे कर दिया मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना नीचे, 1/x की वैल्यू ये आ गई। अब जब भी ऐसे रूट में आ जाए तो क्या करो, कुछ नहीं करना, जो चीज हमें फाइंड करनी है उसका स्क्वायर कर दो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × √x × 1/√x, ये कट गया। देखो √x प्लस 1/√x तो हमें फाइंड करना है, उसका होल स्क्वायर सेम टू सेम रहेगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, एक्स आ गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 1/x आ गया प्लस 2। अब एक्स की वैल्यू भी हमें पता है, ये रही 7 - 4√3, 1/x मैं ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूं, तो यहां पे फिल कर दो एक्स के प्लेस पे 7 - 4√3, और 1/x की वैल्यू ये रही 7 + 4√3 प्लस 2, -4√3 और +√3 कैंसिल, 7 - 7 = 14 2 = 16, और जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट और प्लस माइनस आ जाएगा, तो कितना आंसर आ गया, +-4, दिस इज आवर आंसर। तो एक काम करना है आपने, आपने यहां तक करना, ठीक है बच्चे? आगे क्यूब वाली आइडेंटिटीज आएंगी, 17 सम वैसे आप इजीली कर सकते हो, ओके सर, 18 सम भी कर सकते हो, क्योंकि वही नहीं, 18 नहीं कर सकते, 19 कर सकते हो, 20th भी कर सकते हो, 21st भी कर सकते, 21st में क्यों वाला है वो तक करवाना पड़ेगा। चलो आप पहले 13 सम्स ही करना, कल मॉर्निंग टाइम कितने बजे का है? 9 o'clock हाँ 9 बजे, 9 बजे लगा लेना श्रियांशु, ये मत होगी कि ओके क्लास ना लगाओ आप, ठीक है? 9 बजे तक यस तो बहुत है टाइम, सुबह 8 बजे उठ जाओगे आराम से, ओके? तो ओके सर, ठीक है पीछे, ओके सर टाटा बाय बाय, 7 बजे शाम है शाम को भी लगाएंगे कल, शाम सर, कितने बजे है? को सेम टाइम यस 8 बजे, ओ सॉरी 8 बजे ही है ना, यस सर, हाँ ओ या चल, हाँ ठीक है, चलो ओके टाटा बाय बाय। बाय।